Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start standard 10th maths 2 chapter number 2nd Pythagoras theorem and our topic is problem set 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4. देखिए हमें क्या गिवन है, फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल. यहाँ देखिए वर्ड यूज हो रहा है रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर. और रेक्टेंगल का लेंथ हमें 16 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया हमें 192 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उसे हमने लेबलिंग की ए बी सी डी. ये जो ए बी सी डी है ये है हमारा रेक्टेंगल और लेंथ है हमारा 16 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी गिवन रेक्टेंगल. और बीसी का वैल्यू हमें 16 गिवन है, लेंथ हमें 16 गिवन है और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी. अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ है हमारा ए बी और ब्रेथ है बी सी. ए बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, बी सी का वैल्यू हमें 16 गिवन है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू 192 गिवन है. 192 इज इक्वल टू ए बी इंटू 16. अब ये इंटू 16 है, इक्वल किधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड. डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा हमारा 12. 192 को अगर हमने 16 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारा 12. ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. अब देखिए हम ए बी का वैल्यू फाइंड हो गया है. सी द फिगर. ये जो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में ए सी डायगोनल होने से रेक्टेंगल हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. टू राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हुए हैं. फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल है हमारा ए डी सी. ये टू राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हुए हैं. तो अब देखिए यहाँ हमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है. क्यों 90 डिग्री? ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का है. तो हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन. ए सी स्क्वायर, ए सी हमारा डायगोनल है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी का वैल्यू है 12, 12 स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू है 16 स्क्वायर. देखिए अभी हमने ए बी का वैल्यू फाइंड किया था 12, हमने वैल्यू पुट की 12 स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256. दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया हमारा 400. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट लेने पे आंसर आ जाएगा हमारा ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ए सी का वैल्यू फाइंड हो गया. अब हम लेंगे जो हमें फाइंड करना था, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखा. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल 60 डिग्री के हो, उसे हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल. और हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन में ऐसे वर्ड रहते हैं कि जिसकी हेल्प से हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है. जैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो व्हाट इज मीन बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या है, वही डेफिनेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे. और देखिए और क्या गिवन है, हुज हाइट इज रूट 3 सेंटीमीटर. और हाइट हमें रूट 3 सेंटीमीटर गिवन है. तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ किया ए बी सी. ये ए बी सी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल 60 डिग्री के. और हमें हाइट भी गिवन है, एडी हाइट है. और ये जो डी है, ये एडी यहाँ डी में परपेंडिकुलर हो रहा है. ये साइड है बी सी. अब देखिए ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल. और हाइट की वैल्यू हमें रूट 3 गिवन है.
तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ट्राइंगल एबीसी बी गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है और सेगमेंट एडी इसकी हाइट है और एडी का वैल्यू √3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ट्राइंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन वन। क्यों 60 डिग्री? क्योंकि ये एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का है। अब देखिए यहाँ पे ये हाइट रहने की वजह से यहाँ टू स्मॉल ट्राइंगल तैयार होते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल है हमारा ए डी बी और सेकंड ट्राइंगल है ए डी सी। दोनों भी ट्राइंगल इक्वल है तो हम जो ये ए डी बी है पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे। अब ये ट्राइंगल में देखिए इन ट्राइंगल ए डी बी, अब ट्राइंगल है तो इसमें 3 एंगल्स हो गए। कौन कौन से 3 एंगल्स? एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसमें से हमें ए का एंगल फाइंड करना है। ए हमें पता नहीं, डी 90 डिग्री का है और बी 60 डिग्री का है इज इक्वल टू 180। तो देखिए 90 और 60 को प्लस करेंगे एंगल ए एज इट इज इक्वल टू 180। 90 और 60 को प्लस किया तो आंसर आ गया 150। 150 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 150 इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा माइनस, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150। दोनों को माइनस किया तो एंगल ए हमारा आ गया 30 डिग्री। अब हमारा एंगल ए फाइंड हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है। हमें लेंथ फाइंड करना है और हमारा लेंथ है ए बी। अब ये एंगल है 30 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का और ये एंगल है 90 डिग्री का। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे बाय 30, 60, 90 थ्योरम। तो हमने इन ट्राइंगल ए डी बी 30, 60, 90 ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई किया। क्या है 30, 60, 90 थ्योरम? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेनस। देखिए 60 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है? यह एंगल है 60 डिग्री, इसका अपोजिट साइड है एडी। तो हमने लिया एडी इज इक्वल टू √3/2 इंटू एबी। एबी हमारा हाइपोटेनस साइड है। एडी का वैल्यू √3 हमें गिवन है इज इक्वल टू का साइन √3/2 एज इट इज इंटू एबी। अब देखिए ये डिवाइड बाय 2 है, इक्वल के इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई √3 इंटू 2 इज इक्वल टू √3 इंटू एबी। अब ये इंटू √3 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, √3 गेट कैंसल। तो रिमेनिंग हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू का साइन एज इट इज एबी। तो एबी का वैल्यू आ जाएगा हमारा एबी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर। हमने साइड फाइंड कर लिए और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पेरीमीटर का फार्मूला है हमारा 3 × साइड। एज इट इज साइड है हमारा ए बी, 3 जैसा क्या वैसा, और ए बी का वैल्यू अभी हमने 2 फाइंड किया था, 3 × 6 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है? इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी गिवन है। सेगमेंट एपी इज ए मीडियन इफ बीसी इज इक्वल टू 18, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 260। फाइंड एपी, हमें एपी फाइंड करना है। सिर्फ हमें क्वेश्चन गिवन है, ना ही फिगर गिवन है, ना वैल्यू पुट करके है। तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करके वैल्यू पुट करना है, देन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसे हमने लेबलिंग दी ट्राइंगल एबीसी। और देखिए एपी मीडियन है तो हमने एपी ड्रॉ किया, एपी हमारा हो गया मीडियन, बीसी का वैल्यू है 18, बीसी का वैल्यू हमने पुट किया। अब वैल्यू पुट किया, ट्राइंगल भी ड्रॉ किया। अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है यहाँ सेगमेंट एपी इज ए मीडियन, और मीडियन हमें दिखा तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। मीडियन हमें जब भी मीडियन वर्ड आया या मिड पॉइंट आया तो समझ जाना वहाँ अपोलोनियस थ्योरम लगने ही वाला है। तो हम लेंगे जो जो हमें गिवन है पहले प्रूफ में सॉल्यूशन में एज इट इज ले लेंगे। बीसी इज इक्वल टू 18 हमें गिवन है। अब ये देखिए ये जो पी है वो बीसी का मिड पॉइंट है, पी बीसी का मिड पॉइंट होने से बीपी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बीसी
1 बाय 2 एज इट इज, बीसी का वैल्यू 18 है, 2 वन जा 2, 2 नाइन जा 18। तो ये जो हमारा बीपी था जो आधा बीसी का हाफ, ये देखिए बीसी फुल लेंथ है 18 की, तो बीपी हो जाएगा 9 और पीसी भी हो जाएगा 9। क्यों? क्योंकि पी बीसी का मिड पॉइंट है। तो हमने बीपी का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब मीडियन है तो यहाँ अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई होगा। इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एपी इज ए मीडियन बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम चलिए अप्लाई करते हैं। अपोलोनियस थ्योरम कैसा अप्लाई होगा? ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड के स्क्वायर का सम, सम मीन्स प्लस, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। देखिए एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर का सम हो गया, इज इक्वल टू 2 एपी स्क्वायर प्लस 2 बीपी स्क्वायर। एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, ये एक साइड में इज इक्वल टू का साइन। ये जो हमारा मीडियन है, मीडियन का स्क्वायर लेना है और 2 टाइम्स 2 एपी स्क्वायर प्लस 2। आप बीपी भी ले सकते हैं या आप पीसी भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो हमने लिया 2 एपी स्क्वायर प्लस 2 बीपी स्क्वायर। 2 एज इट इज, एपी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, मीडियन हमें फाइंड करना है, प्लस का साइन 2। अभी हमने बीपी का वैल्यू देखिए 9 फाइंड किया था, तो यहाँ स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर, और ये दोनों का, दोनों के स्क्वायर का सम मीन्स एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, यहाँ हमें वैल्यू गिवन है 260, तो ये दोनों की जगह हम लेंगे 260 इज इक्वल टू का साइन एज इट इज। 2 एपी स्क्वायर भी एज इट इज, प्लस का साइन 2 बीपी स्क्वायर का वैल्यू 9 स्क्वायर। 260 इज इक्वल टू 2 एपी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर 81। हम दोनों का इंटू करेंगे 260 एज इट इज 2 एपी स्क्वायर, दोनों का इंटू करो, दोनों का इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 162। अब ये 162 प्लस है, इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा माइनस। 260 माइनस 162 इज इक्वल टू 2 एपी स्क्वायर, दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 98 इज इक्वल टू 2 एपी स्क्वायर। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई 2 था, इक्वल के इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, 98 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 49, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। हमें एपी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें एपी का वैल्यू फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो एपी का वैल्यू हो जाएगा हमारा, एपी इज इक्वल टू 7।